तो बॉलिंग डाल रहे हैं, तो ये हो गया गाइस, देखो गिर गए, छिल गया है पूरा, ये देखो। यूनिकॉर्न प्रीमियर लीग करके एक क्रिकेट टूर्नामेंट होने वाला है टेनिस बॉल का, ये उसका जॉइनिंग फीस कुछ 10 लाख रुपए का है, और जो टीम जीतेगी उसके 25 लाख रुपए मिल रहे हैं। तुम एकदम पूरा हस्बैंड मटेरियल हो यार, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। तो अपना सब कुछ कटवट के रेडी है, देखिए बॉइल्ड होकर अंडे और आलू सब निकल गए हैं। तो हम लोग पहुंच गए गाइस गुरु स्पोर्ट्स पे, ये गुरु स्पोर्ट्स अकेडमी। देखो ऑफिस खाली है क्योंकि आज सैटरडे है, वीकेंड कोई नहीं रहेगा, बंद है। ऐसा हर रोज होता राजेश भाई ऑफिस, चारों ले लो यार। हे गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो, मैं हूं आपका दोस्त उमेश। गाइस सुबह के बज रहे हैं 9, मैं उठा थोड़ी देर पहले, तो चलिए अगर आप मुझे नहीं जानते तो मैं पहले अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मेरा नाम उमेश है, मैं गुवाहाटी असम से हूं, मैं फिलहाल बैंगलोर में रहता हूं, फ्लिपकार्ट के हेड ऑफिस में काम करता हूं। और आज है सैटरडे वीकेंड, और सैटरडे को हमारा ऑफिस छुट्टी रहता है, संडे को भी। तो सैटरडे को मेरा बेसिकली, मुझे आप सैटरडे को अगर देखते हो मैं छुट्टी के दिन, तो मैं आपको क्रिकेट ग्राउंड पे दिखूंगा, लेकिन क्योंकि मेरे को बैक इंजरी हुआ पड़ा है तो मैं क्रिकेट ग्राउंड पे नहीं, अभी आपको रूम पे ही दिखता हूँ। तो आज मैं आपको पूरा दिन दिखाने वाला, पीजी में कैसे स्पेंड करता हूँ, क्या करता हूँ, सारा कुछ दिखाने वाला हूँ। तो मेरे दिन की शुरुआत, कभी भी किसी भी दिन उठता हूँ, या तो वीकेंड हो या फिर वीकडे हो, हर दिन मेरे दिन की शुरुआत होती है रिहाब से। सो के उठा तो बेड कुछ ऐसा दिख रहा है, अभी बेड को फिक्स कर लेते हैं सबसे पहले। तो चलिए सबसे पहले पीने के लिए गर्म पानी लेके आते हैं नीचे। अब गर्म पानी पीने से अपना दिन शुरुआत करते हैं। आपका जो पेट है ना, रात और सर्दियों में क्या होता है, सिकुड़ गया होता है अंदर, तो गर्म पानी जाने से पेट का मसल जो है खुलता है बाहर की तरफ, मतलब ओपन होता है, वो मसल्स को रिलैक्सेशन फील होता है, इसलिए मैं हर रोज गर्म पानी पीता हूँ। ये आईफोन की चार्जर जो है, मेरे एक फ्रेंड है भोनीता, जो वो भी असम से है, मेरे पीजी एकदम नेक्स्ट पीजी पे रहते। कल रात को 12 बजे मैं ऑफिस गया था अपना चार्जर ढूंढने, जब पता चला कि भैया लेके चले गए, तो फिर मैं जाके भोनीता से ये लेके आया रात को, अभी उसको वापस करने देने चलते हैं। भोनीता जो ए वाले पीजी में रहती है, मैं अपना चार्जर जो है कल ऑफिस में ही भूल के आ गया था। खुल जा सिमसम। मेरा रूम जो है 5वें माले पे है, मुझे ग्राउंड फ्लोर जब जाना होता है लिफ्ट लेके जाना होता है। ये वाली मेरी पीजी है, सामने भोनीता वाली है। कोता सा ये रही भोनीता मेरा किने खाला। हेलो मैंने होम यार मैंने 0 फिगर करी है। बाय बाय जो भाई। ये भोनीता, ये भी मेरे मतलब सेम, मैं जहाँ से आता हूँ वहाँ से, गुवाहाटी से, मेरे असम से। तो भोनीता से जब भी बात होती है एसएमएस में ही बात होती है, हिंदी में बात तो होने का मतलब उसका हैबिट ही छूट गया हम दोनों, क्योंकि अपने लोग सेम स्टेट से सेम जगह से है, तो अपने वहाँ की रीजनल लैंग्वेज में ही बात कर लेते हैं। मुझे फिर याद आता है कि मैं यार वीडियो बना रहा हूँ, तो एसएमएस इज अ लैंग्वेज दैट इज स्पोकन इन असम। हम लोग असम से, हम लोग ये एसएमएस लैंग्वेज में ही बात करते हैं। और अब मेरे को करना पड़ेगा रिहैब, मेरे बैक इंजरी का रिहैब, जो कम से कम 1 घंटे से 1 घंटे 15 मिनट लास्ट करती है, जिसमें मैं अपने आप बैक को अच्छे से स्ट्रेच करता हूँ, अच्छे से स्ट्रेंथन करता हूँ, फिर उस पे पेन रिलीफ क्रीम लगाता हूँ या फिर कोई भी बाम लगाता हूँ। तो सबसे पहले रिहैब के लिए जो मैं काम करता हूँ, वो अपने रूम पे ऐसे योगा मैट बिछा लेता हूँ, और ये बॉल ले लेता हूँ, लेदर बॉल, इससे रिलीज करने के लिए अपने बैक को। एंड देन अपने ये वाले फ़ोन में, एंड्रॉयड वाले फ़ोन में गीता लगा लेता हूँ, भागवत गीता। तो भागवत गीता सुन सुन के मैं अपना स्ट्रेचिंग और सारा वर्कआउट पूरा करता हूँ, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, बहुत ज़्यादा खुशी होती है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है भागवत गीता से। तो गाइस फाइनली मेरा रिहैब खत्म हो चुका है। आज मैंने अपने रिहैब में कुछ अलग ट्राई किया है, फिलहाल के लिए अभी बेसिकली पुशअप्स के साथ मैंने अपना रिहैब कंप्लीट कर लिया है। अभी आपको अपने को नहाना धोना है, नहा धो के नाश्ता पानी करना है, चलो। तो मेरा पीजी बेसिकली 3 शेयरिंग का है, इसलिए 3 1 2 3 बेड्स हैं, बट मैं अभी इस रूम में अकेले हूँ, तो वो बेड ऐसे ही पड़ा हुआ है, ये वाली खाली बेड मेरी है, और बाकी 3 टेबल्स भी हैं, 3 चेयर भी हैं। तो 1 2 3 तीनों टेबल पे मेरे अपने खुद के सामान है, किसी और का सामान नहीं, और कपड़े भी हैंगर्स में मेरे ही टंगे हुए, यहाँ पे भी एक मेरा टंगा हुआ है और यहाँ पे भी एक मेरा ही टंगा हुआ है, और एक टीवी भी आ जाती है हमें रूम पे। तो यही बेसिक सा रूम है जहाँ मैं ऑफिस और क्रिकेट के बाद अपना लाइफ स्पेंड करता हूँ। यहाँ पे रखी हुई है मेरी किट बैग, मेरी सबसे प्यारी चीज, मेरी क्रिकेट किट बैग। तो गाइस अभी अभी जब रिहैब खत्म किया, तो एक और दोस्त का फोन आया, निकिता सामने की पीजी में वो भी रहती है, तो उसने पास्ता बनाया, तो बोला कि ले जाओ थोड़ा सा तुम भी खा लो। हेलो निकिता, तुमने मेरे लिए पास्ता बनाया, थैंक यू। तो ये निकिता, इसने पास्ता बनाया, हाय थैंक्स फॉर द पास्ता, ये पास्ता तुमने बनाया। तो गाइस आज क्योंकि संडे और छुट्टी है, तो मैंने ये सारे अंडे मसाले, ये सारे सब्जी वब्जी लाए, टमाटर, ये सारे चिल्ली विल्ली लाए हैं। मैं सोचा हूँ आज अंडे का करी बनाऊंगा पीजी में खुद से, क्योंकि खुद का घर का खाना खाया ना बहुत टाइम हो जाता है। अभी नहा धो लेंगे अच्छे से, नहा धो के फ्रेश होके बनेगा हमारा आज अंडा करी। नहा धो के निकल गए हैं गाइस, कुछ दोपहर के 12:15 हो रहे हैं। तो गाइस जस्ट बिफोर वी मूव अहेड विद दिस डे, मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूँ, मैं ना एक 60 डेज बैक इंजरी रिकवरी चैलेंज कर रहा हूँ। मेरे को एक्चुअली डिस्क बल्ज का इशू है, डिस्क बल्ज मेरे को 2021 से मेरे को पेन स्टार्ट हुआ था, वो टाइम से थोड़ा बहुत अप एंड डाउन ऐसे पेन रहा, एंड देन मैं खेलता रहा क्रिकेट वगैरह ऐसे ऐसे, मतलब चलता रहा वो,
तो बट लास्ट ईयर मैंने देखा कि जनवरी 2023 में 2023 जनवरी में मैंने देखा कि ये थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है अभी, मेरे को रेडिएटिंग पेन वगैरह होने लगा था, तो मैं जाके एक स्कैन करवाया सिटी स्कैन, जिसमें मुझे पता चला कि मेरे को L5S1 पे एक डिस्क बल्ज है। तो उसके बाद से मैं फिजियो वगैरह के पास भी गया, काफी पिछले साल काफी फिजियोथेरेपिस्ट देखा है, काफी अच्छे अच्छे डॉक्टर्स को देखा है, बट आई इवेंचुअली गॉट टू नो कि वो जो डिस्क बल्ज है इतना कुछ ज्यादा मतलब हैवी नहीं है, कुछ थोड़ा माइल्ड सा है। बट मैं और एक चीज़ मेरे को समझ में आ गया कि मेरा जो बेसिक प्रॉब्लम है वो मसल्स का है, यहाँ का बैक का जो मसल है उसमें उतना स्ट्रेंथ नहीं है, जिसकी वजह से मेरे को पेन ज़्यादा हो रहा है। इनिशियली मेरे को ये आइडेंटिफाई हुआ कि ग्लूट्स में स्ट्रेंथ नहीं है और उसकी वजह से रेडिएटिंग पेन हो रहा है। जब मैंने ग्लूट्स को स्ट्रेंथन किया तो ग्लूट्स बहुत सही हो गया, ग्लूट्स में अभी रेडिएटिंग पेन बिल्कुल खत्म हो चुका है, बट मेरा बैक का स्टीफनेस जो है वो कम नहीं हो रहा था। तो उसके लिए बैक के कुछ स्ट्रेचेस बताए गए हैं मेरे को, तो मैंने ये चैलेंज जनवरी के 1 तारीख से स्टार्ट किया और आज 20 तारीख है, तो मैं स्ट्रेचेस कर रहा हूँ, बैक को स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आज 20वां दिन है, आज भी मैंने मिस आउट नहीं किया पहले का वर्कआउट, हर रोज दो सेशन ऑफ रिहैब कर रहा हूँ, 2 सेशन ऑफ वर्कआउट कर रहा हूँ, सो दैट मतलब यू नो इसको जल्दी से जल्दी रिकवर करें। तब पे मैंने अंडे और आलू चढ़ा दिए बॉईल करने के लिए, 6 अंडे हैं, बाकी मतलब बहुत लोग 3-4 लोग वो लोग हैं, मैं हूँ, तो 6 अंडे चढ़ा दिए और आलू भी काफी ज्यादा चढ़ा दिया। तो अपना सब कुछ कटवट के रेडी है, देखिए बॉईल होकर अंडे और आलू सब निकल गए, यहाँ पे प्याज मिर्ची सब काट के रखे हुए, यहाँ पे लहसुन है, फिर यहाँ पर टमाटर धनिया सब काट के रखे हुए, मस्त एकदम पूरा तैयार है, अब बनाएंगे खाली इसको बस। तो यहाँ अपना चिकन करी पूरा उबल रहा है, देख के कैसा लग रहा है कमेंट करके बताना जरूर गाइस, ये देखो पूरा उबल रहा है चिकन करी। तो मेरे लिए यहाँ पे बचा है करी जो एक करी है, और ये यहाँ पे भनिता और वो निकिता लोगों के लिए मैंने पैक कर लिया, अभी उन लोगों को ले जाके मैं देख के आता हूँ। तो एक करी जो है काफी गर्म है, मैंने 2-2 डब्बे अपने हाथ में पकड़े हुए, आई डोंट नो कैसा हुआ टेस्ट, मैंने किया भी नहीं है, मैंने बस पैक करके गर्म गर्म उनको मैं देने लेके जा रहा हूँ। जल्दी भाई, काफ़ी गर्म है गाइस, आज पहली बार ऐसे किसी को मैं एक करी वरी बना के खिला रहा हूँ, ऐसे रूम में रहते थे तो अपन लोग खाते थे, बट ऐसे किसी को देने पहली बार जा रहा हूँ। ऊपर एटा तुम्हारा लेगा और तौलेटा भनिता ताको लेगा, तो कर दिया दियो गर्म से मैंने रखे थे टेबल, चलो टेस्ट क्या कोई नहीं क्या इसमें कोई बात भाई साहब, इतना गर्म था मेरा हाथ लाल हो गया, देखो ओ बाप रे। समाज सेवा के बाद अब खुद की बारी है, अब चलते हैं हम खाने के लिए। तो आज पीजी में हमारे यहाँ चावल बना था जो खत्म हो चुका है, मैंने यहाँ पे ले लिया आखिरी वाला, मैं था सांभर बनी थी यहाँ पे, और फिर यहाँ पे कुछ आलू का भाजी भी है, और यहाँ पे कुछ लोग मचेगा बोलते हैं दही में पानी वानी घोल के ऐसे देते हैं पीने के लिए, और इसमें कुछ पापड़ थे जो मैं कभी खाता नहीं और ख़त्म भी हो चुका है, तो ये ले लेते हैं थोड़ा सा आलू का भाजी और चलते हैं अपने एक करी के पास जो यहाँ रखी है। इतने दिनों बाद ऐसा घर का वाला फील वाला खाना खाएंगे ना, मतलब आई कैन नॉट टेल यू कैसा मतलब एक्साइटमेंट फील हो रहा है। तो ये हो गया हमारा लंच, अंडा करी आलू भाजी और चावल, एक छोटा सा टुकड़ा मैंने नींबू का भी ले लिया इसके साथ, और मजा आया। तो गाइस अपना खाना हो गया और जो अंडा करी था वो मतलब टेस्टी ही बना था, मतलब मैंने खुद बनाया तो मेरे लिए तो टेस्टी ही रहा, आई डोंट नो वो लोगों को कैसा लगा। हाउ वाज द एग करी? रुक हां मैं पहले अपना इंटरव्यू दे देती हूं, तेरे को कॉल करता हूं। वेरी गुड। झूठ तो नहीं बोलो, इतना बहुत यम्मी था सच्ची, टाइम बाद घर का खाना, मतलब वो तीखा था क्या? नहीं सच्ची। तो भनिता भी आके कहने हासिल, कैसा खाना मतलब कैसा था एग करी? किसको इम्प्रेस करने के लिए? लड़कियां देखने के लिए? हाँ हो सकता है, मे भी ऐसा मौका मिले तो छोड़ना नीचे वैसे। और फिलहाल कुछ 2:30 बज रहे हैं और भैया जो है मेरा चार्जर लेके आ रहे हैं, तो वो चार्जर भी ले लेंगे, मैं रिव्यू भी ले लूंगा। थैंक यू फॉर द रिव्यू गाइस। और नेक्स्ट क्या खाना है बताओ, नेक्स्ट क्या? अरे भाई हम तो नहीं आए, तुम बनाओगे, तुम बनाओ ब्लॉगर। अबे ब्लॉगर हूँ, कुक नहीं, जो भी है ना ना। तो मुझे लगा आप लोगों को ना हमारे पीजी वाली गली भी दिखा देनी चाहिए, ये पीजी का पूरा गली है देखो, मेल फीमेल को लिविंग मतलब पूरा भरा पड़ा है पीजी, मतलब यहाँ से एक लाइन में दोनों साइड पीजी पीजी पीजी, और ये हमारा पीजी है, और इधर बाहर निकलोगे तो भी इसमें पीजी 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 पीजी, और यहाँ देखोगे तो भनिता। हाँ इधर ही रहता हूँ, आप उधर दूर रहते हो ना? अंदर। ओके तो नागेंद्र भैया है मेरे टीम में, ठाई बोल दीजिए। भैया मेरे चार्जर कल लेके चले गए थे क्योंकि मैं छोड़ के आ गया था, थैंक यू भैया देने आने के लिए, बाय, सी यू ऑन मंडे। गाइस सबसे जरूरी पार्ट आज के ब्लॉग में आप लोगों को बताया नहीं था, हम लोग अभी एक्चुअली ना हमारा एक यूनिकॉर्न प्रीमियर लीग करके एक क्रिकेट टूर्नामेंट होने वाला है टेनिस बॉल का, उस पर बहुत सारे बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनीज आने वाली है, उसका ज्वाइनिंग फीस कुछ 10 लाख रुपये का है, और जो टीम जीतेगी उसके 25 लाख रुपये मिल रहे हैं। तो हमारे फ्लिपकार्ट की टीम जो है वो भी ज्वाइन करने वाली है, तो मैं फ्लिपकार्ट के हमारे ऑफिस कैंपस में हूँ फिलहाल। तो अपन लोग का क्या होगा कि अपन लोग आज टीम के लिए सिलेक्शन के लिए ट्रायल लेने जा रहे हैं, तो मैं सिलेक्शन कमेटी का एक मेंबर हूँ और 3-4 लोग हैं, और मेरे साथ राजेश भाई भी। हेलो राजेश भाई। हाय।
क्या हाल है? बढ़िया। और एक्साइटेड हो यूनिकॉर्न प्रीमियर लीग? जोर लगाएंगे आज। हां एकदम सिलेक्शन होना है। बिल्कुल सिलेक्शन होना है। तो फिलहाल अभी हम लोग जा रहे हैं ट्रायल्स के लिए। ट्रायल्स लेने तो यहां से बैट वैट कलेक्ट कर रहे हैं हमारे ऑफिस से, तो वो कलेक्ट कर लेते हैं। इधर 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 था ना, तो बैट हमारा यहां ऑफिस में रखा हुआ है और यहां से कलेक्ट करना है हमें। देखो ऑफिस खाली है क्योंकि आज सैटरडे है, वीकेंड कोई नहीं रहेगा, बंद है। ऐसा हर रोज हो तो राजेश भाई ऑफिस मजा आ जाए ना। काम करने में ज्यादा फोकस हो गया। हाँ यार दो ले ले, चारों ले लो यार, मैं बोलो चारों ले लो, जिसको जो खेलना होगा खेल लेंगे। तीन हाँ ले लो, तीनों तीन लेते हैं। हाँ ले लो। तो हम लोग पहुंच गए गाइस गुरु स्पोर्ट्स पे। ये गुरु स्पोर्ट्स एकेडमी, यहीं पे अपन लोगों ने अपना ट्रायल जो है ऑर्गेनाइज करवाने का फैसला किया। यहाँ पे बुकिंग है हमारी, ये दो दो एक नेट्स लिया हम लोगों ने, ढाई घंटे का बुकिंग है। तो ये गुरु स्पोर्ट्स एकेडमी की नेट्स है, एक दो तीन नेट्स। यहाँ पे बॉलिंग मशीन वगैरह भी है, बॉक्स क्रिकेट वाला भी दो है यहाँ पे। तो बॉलिंग डाल रहे हैं तो ये हो गया गाइस, देखो गिर गए, छिल गया है पूरा, ये देखो खतरनाक वाला छिला है भाई। ट्रायल खत्म हो गया, ट्रायल के बीच में आप लोगों को कुछ नहीं दिखा पाया क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा बिजी थे ट्रायल में, यू नो प्लेयर्स को चेक करने में, खुद भी हम लोग थोड़ा खेल लिए तो वो सब कुछ दिखा नहीं पाए। फाइनली ट्रायल अभी फिलहाल आज के लिए खत्म हो गया, मंडे को फिर से एक और सेशन है हमारे ट्रायल का, दो सेशन हम लोग करने वाले हैं क्योंकि ज्यादा प्लेयर्स हैं, काफी ज्यादा प्लेयर्स चले गए, थोड़े बहुत दो चार ही प्लेयर्स बचे हुए हैं, ये दो चार प्लेयर्स ही बचे हुए हैं और इधर दो तीन बचे हुए हैं, बाकी 25-30 जैसे प्लेयर्स हैं। हाँ तुम तो आ ही रहे हो भाई, तुम वहीं से आ रहे हो ऑफिस के, वहीं से रिजवान भाई। बाय 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 ब्रो, बाय बाय विनय भाई, बाय बाय। तो गाइस अभी फिलहाल चल रही है मेरी दिन की दूसरी रिहैब सेशन, रात वाली सेशन। अभी थोड़ी देर पहले आया हूँ मैं कहाँ से, ट्रायल्स के बाद, ट्रायल्स के आने के बाद अभी फिलहाल चल रही है मेरी दूसरी रिहैब सेशन। इसके बाद खाना पीना खाने जाना है, तो मैंने रिलीज कर लिया है बॉल से, थोड़ा बहुत स्ट्रेचिंग करनी बाकी है एंड देन थोड़ा सा स्ट्रेंथनिंग। अभी रात को पीजी में बनी थी ये वेज पुलाव और अंडा करी जो मैंने दिन को बनाया था, और इनके पास रायता था तो मैं रायता लाया नहीं हूँ, तो वेज पुलाव और अंडा करी के साथ मस्त खाएंगे अभी डिनर। तो गाइस ये था आज का मेरा दिन बैंगलोर में, ऐसे करके ही मैं दिन नॉर्मली बताया करता हूँ, क्योंकि आज वो यूनिकॉर्न प्रीमियर लीग यूपीएल का हमारा फ्लिपकार्ट का ट्रायल था और हम लोग सिलेक्शन कमेटी के मेंबर भी था, तो आज थोड़ा रिस्पॉन्सिबल काम था, तो थोड़ी जिम्मेदारी भरी काम थी, तो वहां गए, वो सारे काम हम निपटाए, बाकी बेसिक से काम निपटाए। छुट्टियों के दिन में बेसिकली मतलब ऐसे ही निपटाता हूँ, या फिर उस दिन कुछ रील वील का शूट होता है, एडिट वेडिट होता है, वही सब निपटाता हूँ। तो अभी फिलहाल ये खत्म करके मेरे को एडिट करना पड़ेगा ये व्लॉग भी और रील्स भी आप लोगों के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, अगर पसंद आएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज गाइस, सब्सक्राइब नहीं करते आप लोग, और क्या जिंदगी के मजे लेते रहो, जैसे हमेशा कहता हूँ जिंदगी के मजे नहीं लोगे तो जिंदगी का फायदा क्या है मेरे दोस्त। मिलेंगे आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखो, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, सेवा करें, यस जय अखम बाय। I met you in August, New York, back to my cold apartment. Distance sucks, but at least I'm still with you.